अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, खैरियत से हो। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 10 बजे, जहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं गाजी के पैर में क्रीम लगा रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि गाजी को एक्जिमा के इश्यू है, उसका बहुत ज़्यादा ड्राई है स्किन पैरों पर, तो उसको मैं ऑइंटमेंट लगाती हूँ। काफ़ी पहले से बेहतर हो चुका है, बट अभी कम्प्लीटली बेहतर नहीं है, बट हाँ इंशाल्लाह लग तो रहा है कि बेहतर हो सकता है आगे चल के। अच्छा, व्लॉग तो स्टार्ट हो चुका है, मगर मैं चाहूँगी कि आप में से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप लोग बेशक देखें पर साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में मेरी कोई भी जो भी वीडियोज़ हैं, व्लॉग्स हैं, वो मिस ना हो, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कीजिएगा। और मेरा इंस्टा भी है, फेसबुक पेज भी है, आप चाहो तो उसे भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल के जो अबाउट है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो क्लिक उस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली पहुंच जाओगे मेरे पेज पे। यहाँ पर गाजी का बहुत ज़्यादा नेल्स वगैरह भी काफ़ी पैर और हाथ का बढ़ गया था, तो मैं उसको भी फाइल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं नेल कटर से डायरेक्ट काट नहीं पाती हूँ ना, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं उसकी स्किन ना कट जाए साथ में। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं नेल कटर ना यूज़ करके, नेल फाइलर होता है ना जो बेबीज़ वाला होता है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोग देख रहे हो, वही बेहतर होता है इतने छोटे बच्चों के लिए। वरना नेल कटर से तो भैया एक आध बार मैंने कभी कोशिश की थी, आदिल किया किसी की, उनके मतलब बहुत ज़्यादा स्किन कट गया था, तब से मैं डरी हुई हूँ। मैं ज़्यादा नेल कटर नहीं यूज़ करती हूँ गाजी पे, सिर्फ इस तरह से नेल फाइलर यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरे व्लॉग्स दिन पर दिन बोरिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं जब देखो हॉस्पिटल का ही वो कर रही हूँ, कुकिंग का कुछ बना नहीं पा रही हूँ, तो मुझे, मैं चाहूँगी माजरत इस बारे में, क्योंकि मैं, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आजकल चल रही है, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही सारे व्लॉग्स नज़र आ रहे हैं। 2 months, 2 महीने हो गए मुझे हॉस्पिटल में गाजी के साथ, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती ना। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइडी कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रोसोन वगैरह सब एम्प्टी पड़े हुए थे, तो ये कचरों को मैं फेंक रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा गाजी के गंदे कपड़ों को भी मैंने सॉर्ट करके रखे हुए इस अलग बैग में, जिसको मैं कल धोऊंगी। तो थोड़ा गाजी का हेल्थ अपडेट आप लोगों को बता देती हूँ कि 3 मई से उसको फीवर, उसको डायरिया हो रहा था, फिर 10 मई को मैं इसको लेके हॉस्पिटल भागी। मुझे लगा था 3 मई से 10 मई के बीच में मुझे ये लगा था कि इसको टीदिंग हो रही है, जिसके वजह से डायरिया और फीवर स्पाइक कर रहा है इसका। तो उस दौरान मैं इसको बोंजिला है, कालपोल, पैरासीटामोल देती रही, उस तरह से मैनेज करती रही, पर 10 मई को इसका ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगा और उसके फेस से लग रहा था कि ये तकलीफ़ में है। तो मैं इसको लेके जल्दी से भागी अपने लोकल हॉस्पिटल। तब उन लोग ने सारे टेस्ट किए, तो जिसमें डायग्नोस हुआ कि उसके ब्लड में बग नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था। तो उन्होंने उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया, मतलब उसको एंटीबायोटिक्स वेन के थ्रू दिया। तो 4-5 दिन तक वो थोड़ा सा बेहतर हो गया था। उसके बाद ये यहाँ पर कार्डियक हॉस्पिटल आया एको के लिए। फिर वो सेम डे ऐसा दिन कि उसका फीवर चढ़ना शुरू हुआ, तो फिर कभी खत्म ही नहीं हुआ। हेलो, 6718। तब से लेके आज तक इसका रोज़ाना फीवर इसको आ रहा है, जिसके वजह से डॉक्टर काफ़ी कंसर्न में है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। हालांकि सारे टेस्ट वगैरह कर लिए, सब नॉर्मल आए हैं, बट स्टिल स्पाइक कर रहा है, रीज़न अभी तक पता नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा गाइस, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था थोड़ा कुछ बिरयानी खाने का, तो बिरयानी तो मिला नहीं चिकन का, तो हस्बैंड ने ये फ्राइज़ और बर्गर्स, चिकन बर्गर्स ऑर्डर कर दिए थे मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो, चिकन नहीं मिला, चिकन बिरयानी नहीं मिला, चिकन बर्गर ही मिल गया, यही गनीमत है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा, मुझे दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज यही खा लेते हैं। तो जिसके वजह से 29 मई को इसका ऑपरेशन का डेट भी दे दिया था, मगर इसका फीवर रोज़ाना स्पाइक कर रहा था, तो इसलिए वो भी पोस्टपोन हो गया। फिर 1 जुलाई को, यानी आज के दिन इसका डेट था ऑपरेशन का, वो भी पोस्टपोन हो गया, क्योंकि इसको फीवर और राइनोवायरस का डायग्नोस हो गया। अच्छा, ये सुबह के 5 बजे हैं, 5 बजे मैं आ गई थोड़ा सा अपने लिए गर्म पानी लेने, मैं एम्प्टी स्टमक पीती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, तो वही मैं यहाँ पर लेकर के अभी जाऊँगी रूम में। तो ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं साइड में, मतलब गाजी की एक तरफ हेल्थ ठीक होती है, तो फिर दोबारा वो कभी वायरस शुरू हो जाता है, तो कभी फीवर का इशू हो जाता है, तो डॉक्टर्स ख़ुद परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। बैकग्राउंड में गाजी बोल रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड।
तो बस इन्हीं सब उलझनों में उलझी हुई हूँ और कोशिश में लगी हूँ कि व्लॉग्स भी मैं डेली अपडेट करूँ आप लोग के लिए। और ज़्यादातर व्लॉग्स हॉस्पिटल से आ रहे हैं 2 महीने से, यही वजह है। और मैं जानती हूँ आप लोग मेरी कुकिंग को भी मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गाजी का ऑब्जर्व करने आई है, उसके ब्रीदिंग को मॉनिटर कर रही है नर्स। मैं इधर आई हूँ, थोड़ा सा गाजी सोने की जब भी कोशिश करता है तो इसका इसका ऑक्सीजन गिरने लगता है, तो वही अभी मैं इसको चुप करा रही हूँ, रोने लगा था। सोची थी कि ये सनस्क्रीन कौन सा वाला अच्छा है, मतलब ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, तो मेरे पास दोनों ही थे, तो मैं ये वाला जब मैं अप्लाई करती हूँ ये थोड़ा सा मेरे कॉम्प्लेक्शन को जैसे डार्क कर दे रहा है। आई डोंट नो, ये मुझे लग रहा है वो है, थोड़ा सा टिंटेड है जैसे फाउंडेशन वाला आता है। और इन आप में से कौन लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं या इसे यूज़ करते हैं? भाई सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो नहीं लगाते हैं वो अब से लगाना शुरू करते हैं, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करें। मैंने भी स्टार्ट कर दिया है, बीच में बहुत लापरवाह हो गई थी बट लकीली अभी तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये मैं 2 दिन पहले ही लाई हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, तो अभी तो मैंने स्टार्ट करना शुरू किया है इसको लगाना। इसको लगाने से मुझे इशू ये हो रहा है ना, ये जब मैं लगाती हूँ, हालांकि मैं एकदम आईज़ के नज़दीक नहीं लगाती हूँ, आईज से मतलब जैसे चीक बोन होता है बट वहाँ तक मैं लगाती हूँ, बट इसकी स्मेल मेरी आईज़ में जाती है और मेरी आईज़ बर्न होने लगती है, इसलिए मैं इससे उलझ गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये वाला ख़रीदा। और ऑनेस्टली बोलूँ तो इसको लगाने से मेरी आईज़ बर्न नहीं हो रही है, चाहे मैं आईज़ के बिल्कुल नीचे तक ही क्यों ना लगा दूँ तो, मगर इसके वजह से थोड़ा सा मुझे डार्क कॉम्प्लेक्शन लग रहा है, मुझे पता नहीं है मैं, पर फिर भी मैं इसको ही लगाऊंगी क्योंकि ये मेरी आईज़ को क्या बोलते हैं सूट कर रहा है। और ये वाला भी मैंने भी फ़िलहाल होल्ड पे रख दिया है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा वाला आप लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हो, मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। नहीं मुँह नहीं बना रहा इसलिए साइड कर दिया। इस ड्रिंक का क्या नाम है बाजी? वाटरमेलन लेमन फिज। अच्छा अच्छा, तो ये ड्रिंक लाई है और सारी चीज़ें खाने के लिए क्या आई हैं, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स भी ले आई। अच्छा अच्छा, खून बने रहे। अच्छा ऐसी ताकत। अच्छा जन्नत का फल। हाँ वो तो है, ये अच्छा है, मज़े का है, खट्टा खट्टा। क्या बात है? किसने चाहिए आपको? बाजी क्या कह रही है? ईशा बाजी क्या कह रही है? तो गाइज़ यहाँ पर मेरे सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड और ईशा, यानी ईशा के मम्मी डैडी और ईशा लोग आए थे गाजी को देखने। ईशा को आप लोग जानते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। तो ये देखिए मेरी नंद मेरे लिए कितना सारा चीज़ खाने के लिए लेके आई थी, वो जानती है ना मेरे जायके के अनुसार सारी चीज़ें लेके आई थी, जानती थी मैं चटोरी हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद आना ही है। तो डेट्स ले आई, ड्राई फ्रूट्स ले आई मेरे पसंद का जिसमें चॉकलेट्स मिक्स है, और शामी कबाब विद पराठा, और गरम गरम समोसे, क्रोसोन, और वो ड्रिंक बहुत अच्छा जो भी आपने देखा है ना, बहुत मज़े का था। और क्या नाम है, शामी, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें जो मेरे लिए समझ लीजिए एक झूम उठने वाली बात थी कि इतने दिन से 2 महीने से हस्पताल का खाना खा के मैं ना इस तरह का खाना जब देखती हूँ ना तो झूम उठती हूँ खुशी के मारे। अच्छा गाइस, यहाँ पर गाजी को एक दूसरे स्कैन के लिए लेके जा रहे हैं, और उसके बाद मैं लग गई, जब गाजी की स्कैनिंग ले गई उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े गाजी के धो दिए जो मैंने कल निकाले थे ना, तो वो आज धोकर के इधर मैंने फैला दिए हैं। अच्छा गाइस, मैंने ना एक बार मैं पहले किसी ने मुझसे बोला था कि तुम्हारी सर्कल बहुत छोटी है और तुम लोगों के साथ ज़्यादा मतलब मिलती जुलती नहीं हो, रियल लाइफ में इतनी सोशलाइज नहीं हो, किसी ने बोला था इस बात,
तब मैं इतनी हाजिर जवाब नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, हर चीज़ों को हंस के टाल दिया करती थी। बट अभी मेरे अंदर मैं अब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, लाइक मैं बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब हो गई हूँ और किसी गलत बात को मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। मैं पता क्या है, मेरी आदत ये है ना कि मैं ज़्यादा बिग सर्कल को प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि स्मॉल सर्कल भले ही हो, मेरा एक जेन्युइन फ्रेंड हो जो आपको जेन्युइन सपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो प्राइवेट लाइफ लोगों की होती है, मैं उस पर भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल, कहते हैं प्रैक्टिस में कर रही हूँ। मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है शेयर करने लायक है, और मैं अपने माइंड को ना क्लियर रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करती हूँ जो मेरे लिए ट्रूली मैटर करता है, और हर छोटी छोटी खुशियों को मैं इंजॉय करती हूँ, चाहे वो छोटी सी खुशी क्यों ना हो, छोटी खुशी को मैं सेलिब्रेट करती हूँ। मैंने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बना लिया है। और जैसे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रही हूँ। एनीवेज, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, अल्लाह हाफिज़।